गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवेंद्र अपनी इस करियर गाइडर प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सुबह हो गई है और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आज कौन सी डेट है भाई? आज आपकी 30 अप्रैल 2019 है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत भाई, पूरी क्लास देखिएगा। आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये करंट अफेयर्स जो कि बनाए गए हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और देखिए भाई, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या है भाई? हाल ही में आरबीआई ने नई सीरीज का कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की है? पहला है 25 रुपये, दूसरा है 75 रुपये, तीसरा है 20 रुपये और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है भाई? यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। आप लोग टाइम वेस्ट मत किया करिए, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में ISSF विश्व कप में अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? पहला ऑप्शन है कांस्य, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा ऑप्शन है रजत, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है भाई? यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यानी स्वर्ण पदक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में रूस और उत्तर कोरिया के बीच पहली शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पहला ऑप्शन है पेयोंग, दूसरा ऑप्शन है मास्को, तीसरा ऑप्शन है व्लादिवोस्तोक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है भाई? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी व्लादिवोस्तोक है ये बिल्कुल सही है। तो व्लादिवोस्तोक बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 13। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी 13 पदक बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में LT ने किस देश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है इराक, तीसरा ऑप्शन है UAE, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है भाई? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किस देश ने ड्रोन और मानव रहित विमानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है भाई? यहाँ पे आपको जल्दी से बताना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन वाली दुनिया की तीसरी कंपनी कौन बनी है? पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा ऑप्शन है एप्पल, तीसरा ऑप्शन है अमेजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा सही हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन नंबर ए जो माइक्रोसॉफ्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने चीन पाकिस्तान सीमाओं पर सुरंग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन है NTPC, दूसरा ऑप्शन है LNT, तीसरा ऑप्शन है LHPC और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं आप ये बिल्कुल सही है, LHPC। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, हाल ही में दवाइयों के लेबल पर क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश किसने की? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी सिफारिश की है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाल ही में मलेरिया एलिमिनेशंस रिसर्च अलायंस किसने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है ICMR, दूसरा ऑप्शन है ICMR और तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग, चौथा ऑप्शन क्या है भाई? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है भाई यहाँ पे? यहाँ पे आपका
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं ICMR, ये बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा। चलिए बात करते हैं आगे की क्वेश्चन नंबर 11th की। क्वेश्चन नंबर 11th है, हाल ही में प्लास्टिक मुक्त उड़ान संचालित करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? पहला है स्पाइस जेट, दूसरा है किंगफिशर, तीसरा है एतिहाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही भाई? क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन नंबर सी जो एतिहाद देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की। हाल ही में वेदांता ने किस राज्य में अपने संयंत्रों के विस्तार की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12th का ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं राजस्थान, ये बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है भाई? हाल ही में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है सीरिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे लॉन्च की गई है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है अफ्रीका, ये बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं, तो अब यहाँ तक क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, क्वेश्चंस फॉर यू देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको बताना है, क्वेश्चंस क्या है? हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन कार लोन शुरू किया है? पहला ऑप्शन है PNB, दूसरा है ICCI, तीसरा है SBI और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हमारी क्लास आज यहीं तक है। आप यहाँ पे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उन सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के PDF नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड बिल्कुल फ्री में, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और क्लासेज जो कि लाइव क्लास चलाई जाती है, आप उस लाइव क्लास को अटेंड जरूर करिए। लाइव क्लास आपकी सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सो आप लोग वहाँ पर ज़रूर आइए। 5 बजे से आपकी SSC की क्लास, जो कि आने वाले SSC और UPSI की वैकेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास और GS और भी बहुत सारी क्लासेज जो कि आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो आप लोग आइए भाई, और हमारे अपडेट, लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए यूट्यूब चैनल करियर गाइडर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप प्रतिदिन जो सुबह के करंट अफेयर्स की वीडियो होते हैं, उन वीडियो को ज़रूर देखा करें। तो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर लेना। PDF के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आप लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।